अभी ओए कैसे चौधरी बन के बैठा है, दिख नहीं रहा? गाड़ी आ गई, चल के तेल डाल दे। जी मैडम बताइए। सुनाई नहीं दिया तुझे, तेल डाल दे। जी मैडम अभी डलवा देता हूँ, बताइए कितने पैसों को पड़ना है? डलवा देता हूँ। अभी ओए तू तेल डालेगा और किससे डलवाएगा? कोई बात नहीं मैडम, मैं डाल देता हूँ। ठीक है 300 रुपए का डाल दे। जी मैडम हो गया तेल। चल ठीक है, पैसे फोन पे कर दिए हैं। और ये ढक्कन, ढक्कन क्या तेरे बाप लगाएगा? माफ कीजिए मैडम, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था, अभी लगा देता हूँ। लगा दिया है मैडम। और हाँ मैडम, आगे से ध्यान रखना, जब भी आपको इस पेट्रोल पंप पर तेल डलवाना हो ना, तो आप किसी और लड़के से बात कर लेना, आगे से मैं तेल नहीं डाल पाऊंगा। वीर इसकी तो बहुत जुबान चल रही है, तुम एक काम करो गाड़ी को साइड में लगाओ, इससे मैं पूछती हूँ। अभी ओए इधर आ। क्या बोल रहा था तू, अब बता मुझे। मैडम मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तू मुझसे कुछ बोल रहा था, अब बोल के दिखा। अच्छा उसकी बात कर रही हो आप, तो मैडम मैंने तो बस आपसे इतना कहा था कि जब भी आपको इस पेट्रोल पंप पर कभी भी डीजल डलवाना हो ना, या फिर पेट्रोल डलवाना हो, तो बहुत सारे लड़के हैं पेट्रोल पंप पर काम करने वाले, उनसे किसी से भी बोल देना मैं तेल नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि तेल डालने का काम मेरा नहीं है। बोल तो ऐसे रहे जैसे इस पेट्रोल पंप का तू ही मालिक हो, तू यहाँ पर काम करता है, फिर तेल नहीं डालेगा तो फिर क्या करेगा? आप मुझे एक बात बताइए, आपको मैं किस एंगल से तेल डालने वाला लग रहा हूँ? तेरे कपड़े देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि तू पेट्रोल पंप पर काम करने वाला है। क्योंकि इस तरह के कपड़े ना पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर ही पहनते हैं। आप लोग ना मुझे कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लग रहे हो, जो ऐसी बातें कर रहे हो। कहाँ तक पढ़ाई की है वैसे आपने, जो आपको पेट्रोल पंप पर काम करने वाले वर्कर्स में और मुझ में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। देख हमसे ज्यादा बकवास मत कर, अगर तू हमसे बहस करेगा ना तो पेट्रोल पंप के मालिक से कहकर 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, उसके बाद तेरी सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। मुझे लगता है आप ना भी मेरे बारे में सही से जानते नहीं हो, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हो। मैडम जिस दिन आप मेरे बारे में जान जाओगी ना, तो इस तरह की बातें नहीं करोगी। देखो मैं अपने मुंह से तो अपनी बढ़ाई मारना नहीं चाहता, इस वजह से आपसे बोल रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में तेल भी पड़ गया है, तो आप लोग जाइए यहाँ से, मुझसे बहस मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बहस करूँ, और भी काम है मेरे लिए। अबे ओ टाइम की वैल्यू हमें मत सिखा, हमसे ज्यादा बिजी नहीं रहता होगा तू, समझा ना? अरे यार वीर सही तो कह रहा है वो, हर समय तो गाड़ियों में तेल डालता होगा, तो हमसे ज्यादा बिजी हो गया ये। हाँ यार ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर खड़ा रहकर हमारी शक्ल क्या देख रहा है, जाकर मैं 2 गिलास पानी लेकर आ, बहुत तेज प्यास लगी है। मैं पानी देने के लिए मना तो नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पानी तो मैं तुम्हें अभी मंगवा दूंगा, लेकिन जिस एटीट्यूड से तुम लोग मुझसे बात कर रहे हो ना, वो सब ठीक नहीं है। हम तो ऐसे ही बात करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। अगर आपके पास पैसा कुछ ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को अपने पैसों का घमंड दिखाओगे, वो पैसा है ना सिर्फ आपके लिए है, दूसरों को घमंड दिखाने के लिए नहीं। अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो वो किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है, जैसे कि अगर हम चाहें तो अभी तुझे 10,000 रुपए देकर अपने जूते साफ करवा सकते हैं। यार 10,000 रुपए तो तुमने बहुत ज्यादा बोल दिए, अगर हम इसको 500 रुपए भी देंगे ना, उसके बाद भी हमारे जूते साफ कर देगा, वैसे भी पूरे दिन काम करता रहता है यहाँ पर, 100-200 रुपए से ज्यादा थोड़ी नहीं कमा पाता होगा, और थोड़ी सी देर के इसको 500 रुपए मिलेंगे, इसलिए कर देगा। सर साइन कर दीजिए। एक मिनट भैया, ये कौन है गवार जिससे आप साइन करवा रहे हो? अरे मैडम आप सर से ऐसे बात क्यों कर रही हो, आप सर के बारे में जानती नहीं हो क्या? सर इस पेट्रोल पंप के मालिक हैं। क्या मालिक हैं? लेकिन फिर ये गाड़ियों में तेल क्यों डाल रहे थे? अरे मैडम ये कहाँ तेल डाल रहे होंगे, ये तो कभी कभी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मनु वो मैडम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं ही तेल डाल रहा था, क्योंकि वो लड़का ना किसी काम से ऑफिस के अंदर चला गया था, तो यहाँ पर कोई नहीं था तेल डालने के लिए, तो इन मैडम की गाड़ी आई यहाँ पर, ये बोल रही थी कि तेल डाल दो, तो मैंने इनकी गाड़ी में तेल डाल दिया, और ये ना मुझे तेल डालने वाला समझने लगी। सर आप इतनी बड़ी पेट्रोल पंप के मालिक हैं और उसके बाद वर्कर्स के बीच में रहते हैं सर, इसलिए हम आपको पहचान नहीं पाए, गलती होगी हमसे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मनु तुम एक काम करो, जाकर के ऑफिस का काम संभालो। ठीक है सर। क्या बोल रहे थे आप कि मैं इतनी बड़ी पेट्रोल पंप का मालिक हूँ, तो मैं तेल क्यों डाल रहा था? अगर मैं पेट्रोल पंप का मालिक हूँ तो क्या तेल नहीं डाल सकता? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं भी इसी तरह पेट्रोल पंपों पर जाकर तेल डालने का काम करता था, तो मुझे इस काम को करने में कैसी शर्म आनी चाहिए? इसी वजह से आज मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर लिया हो, उसके बाद भी मैं किसी भी काम को करने में ना शर्म महसूस नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा क्या आ गया है, आपको अपने पैसों पर इतना घमंड है कि आप दूसरे लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो? सर ऐसी बात नहीं है, हमसे जो हुआ है वो अनजाने में हुआ है, प्लीज हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। माफ करने के लिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ
कि आज तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना, उस पर तुम्हें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा ना चल संपत्ति है, कभी किसी के पास रुकता नहीं है। अब आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे भी अपना काम करने दीजिए। ठीक है सर, चलो।